हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स, मल्टीपल न्यूज़ और जो भी मार्केट में आज के दिन हुआ है, लगभग हम सब कुछ कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियोज आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे और आपको फटाफट एक आइडिया आ सके कि मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और बात करें आज की डेट में, तो आज की डेट में आपको एक वीडियो डाला है अंबर इंटरप्राइज बेहतरीन रिटर्न, ओके बेहतरीन रिजल्ट दिए है, बट यहाँ पर शेयर 30% अभी तक डाउन हो गया। आज की डेट में भी गिरता हुआ नजर आया अच्छे रिजल्ट के बावजूद, दो दिन पहले रिजल्ट आए। और अगर बात करें एक घंटे में यहाँ पर लास्ट के 45,000 के शेयर से ज्यादा यहाँ पर उठाते हुए दिखाई दे, तो जाके इस वीडियो को देख लीजिए, एक आइडिया आ जाएगा और आपको पता चलेगी कि क्यों और मैंने भी आज के दिन में बाई किया है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और बात करते हैं यहाँ पर, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अगर आपको डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, फ्री में अकाउंट ओपन होगा, क्लिक करें और भी बहुत सारे लिंक्स हैं, जाके आप उन्हें देख सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की बात करें तो फ्लैट बंद होता हुआ दिखाई दिया है, ऊपर अच्छा खासा खुला था, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट, और ये भी वीक बात करें तो पूरा मंथली एक्सपायरी भी है, तो इस चीज़ को भी देखिएगा। एज वेल एज अगर बात करें, यहाँ पर फ्लैट बंद होता हुआ नीचे गिर गया था, फिर उसके बाद ऊपर उठा और फ्लैट बंद होता हुआ दिखाई दिया, तो आज मार्केट ऊपर जाता, बट मार्केट में सबसे ज़्यादा वेटेज बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ फाइनेंशियल्स कंपनीज का है। और यहाँ पर निफ्टी बैंक की बात करें तो वो 0.81% यहाँ पर डाउन थी, ओके दिस इज़ द रीज़न यहाँ पर शेयर यहाँ पर गिरते हुए नजर आए, ओके और यहाँ पर बैंक के शेयर गिरते हुए नजर आए। और प्लस में एक बात करें HDFC बैंक की, HDFC बैंक के जो मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं उनकी कमेंट्री आई बैंक से रिलेटेड कि NPS बढ़ेंगे ये और बहुत सारे उन्होंने कुछ बैंक से रिलेटेड बोला, तो इस वजह से HDFC का शेयर तो गिरा ही गिरा और दूसरे बैंक के शेयर भी गिरे और यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर दबाव। और आपको बताइए HDFC बैंक इंडिया का नंबर वन बैंक है, तो इस वजह से यहाँ पर निफ्टी आज क्लोज फ्लैट हुई। एज वेल एज बात करें यहाँ पर कोविड, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कोविड के केस कंटिन्यूसली कम होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ओके 2 लाख से नीचे आ गए हम, सो थैंक यू सो मच कि आप लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं एज वेल एज थोड़ा ख्याल रख रहे हैं अपने आप का और आसपास के सभी लोगों का। एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर अनलॉक की, तो यहाँ पर देखिए अनलॉक की प्रक्रिया दोबारा से शुरू होने वाली है, मुंबई महाराष्ट्र में भी अनलॉक होने वाला, धीरे धीरे फेजेज में यहाँ पर अनलॉक होगा। बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात में भी आई थिंक यहाँ पर अनलॉक होने वाला है, ओके उन्होंने भी कह दिया है। एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली में भी अनलॉक शायद नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे यहाँ पर अनलॉक शुरू हो जाएगा अलग अलग प्लेसेस में, यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, तो इस चीज़ को आपको देखना होगा। तो इसके थ्रू अगर बात करें इसी अनलॉक की थीम में, तो अनलॉक की थीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कुछ शेयर से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक एक करके आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं अनलॉक की थीम पे। सबसे पहले आ जाते हैं MMTC की न्यूज़, तो अगर बात करते हैं MMTC की न्यूज़, यहाँ पर लास्ट में ये शेयर एक साथ भागता हुआ नजर आया और अच्छा खासा 12% भाग गया, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसके पीछे रीज़न है एक न्यूज़, क्या न्यूज़ की डाइवेस्टमेंट करने जा रही है कंपनी नीलांचल इस्पात निगम का, और 50% शेयर इस कंपनी में MMTC की है, दिस इज़ द रीज़न। बहुत पुरानी न्यूज़ है बट आज एक खबर पे ठप्पा लगता हुआ नजर आया, दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पर 12% शेयर भागा, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। प्राज इंडस्ट्री में आज बल्क डील होती हुई नजर आई है, यहाँ पर मैंने सर्च करने की कोशिश की, ऐसा कुछ दिखाया नहीं, बट न्यूज़ में आज दिखा रहे थे बल्क डील हुई है शुरुआत में, तो इस वजह से यहाँ पर ये शेयर शुरुआत में ही भागता हुआ नजर आया, तो आप देख सकते हैं लगभग कह रहे थे 93 लाख शेयर की इसे लगभग की यहाँ पर डील होती हुई नजर आई है। बात करते हैं यहाँ पर अमरा राजा बैटरी, तो अमरा राजा की बात करें तो लगभग 6% शेयर गिरा है आज के डेट में 43-44 रुपीज़, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लैरियस एक कंपनी है जिसने यहाँ पर इनके शेयर ले रखे, तो उन्होंने ऑफ लॉन्च स्टेक किया, मतलब लगभग 12% की कोई बात कर रहा है, कोई अभी डेटा नहीं आया, 12% कह रहा है, कोई 10% कह रहा है, तो यहाँ पर एक इतने परसेंट के डेटा, मतलब वो शेयर को ऑफलोड कर रहा है, शेयर को निकाल रहा है, दिस इज़ द रीज़न कि 6% शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया। एज वेल एज बात करते हैं JT के
स्टेटी की। तो देखिए आज ये फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया, अच्छा खासा 5% भागा था अगर हम यहाँ पर देखें, 221-22 रुपये तक ये शेयर गया था। उसके बाद यहाँ पर इसी रेंज में चलता रहा और नीचे यहाँ पर आज की डेट में फ्लैट बंद हुआ है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि आज इसके रिजल्ट आने, रिजल्ट अच्छे आ गए तो कल की डेट में भाग लेगा, रिजल्ट बेकार आए तो यहाँ पर गिरता हुआ ही नजर आएगा। तो इस चीज़ से आप देखिएगा और रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैं भी बिहेव करूँगा, मेरे पास भी ये शेयर है तो मैं उसी हिसाब से आपको लेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रेकआउट पकड़ा था, बात करें तो 91-92 पे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद मैंने आप वीडियो बनाई थी और बताया था ये शेयर भागेगा। उसके बाद 20% भी भागा, आज के दिन 5% भागता हुआ दिखाई दिया। सिम्फनी की बात करें ब्रेक, यहाँ पर भी ये शेयर आपको अच्छा खासा गेन देता हुआ दिखाई देगा, एक साल वेट कर लेंगे, लगभग लगभग 50-60% के रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, बाय एंड डिप्स करने का मौका मिल रहा है तो करिए, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। ओके, मार्केट में दबाव था इस वजह से शेयर गिरता हुआ दिखाई दिया यहाँ पर, वरना चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए थे। बात करते हैं अंबर इंटरप्राइजेस, ऑलरेडी यहाँ पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको शुरुआत में बता चुका हूँ कि अंबर इंटरप्राइजेस के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन थे, बस यहाँ पर गिरावट हुई और लास्ट मंथ लास्ट आवर्स में तो यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी होती हुई दिखाई दी है। जाके वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको अंदाजा आ जाएगा। बात कर लेते हैं अनलॉकिंग, तो अनलॉकिंग की न्यूज़ की वजह से ओके यहाँ पर कुछ शेयर से अगर बात करें, यहाँ पर होटल्स के शेयर, तो देखिए यहाँ पर होटल्स के सारे शेयर भागते हुए नजर आए थे कुछ शेयर को छोड़ के। यहाँ पर आप अच्छे अच्छे जो भी शेयर है वहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे इंडियन होटल, EIS, शैलेट इंडिया, लेमन ट्री, यहाँ पर कुछ शेयर्स है उन्हें देख लीजिएगा। एज वेल एज बात करें यहाँ पर वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, ये मैकडी से रिलेटेड कंपनी है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, ये भी भागते हुए। जूलियंट फूड हो गए, ओके जो बर्गर किंग हो गया, ये इसी थीम पे चल रहे हैं, इस वजह से ये शेयर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अनलॉकिंग की प्रक्रिया में यहाँ पर भी कह रहे हैं ये धीरे धीरे फेजेस में शुरू कर देंगे PVR आईनॉक्स को, तो इस वजह से यहाँ पर ये भी शेयर भागते हुए दिखाई दिए 3%, ये 4% के लगभग, ये भी भागते हुए दिखाई दिए 3% के लगभग आईनॉक्स। तो इन शेयर की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर शुगर शेयर, तो शुगर के शेयर तो आपको पता ही है गिरते बढ़ रहे हैं और अच्छा खासा ही यहाँ पर गेन देते हुए नजर आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पर ब्राजील की फसल खराब हो गई है और इसलिए यहाँ पर अच्छे अच्छे शेयर भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन शेयर की तरफ ध्यान दे सकते हैं। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर हम देख लेते हैं IT स्टॉक्स, तो IT स्टॉक्स में यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्टॉक को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक यहाँ पर हरे में बंद होते हुए दिखाई दिए, अच्छा खासा गेन देते हुए, और ये भागते हुए भी दिखाई देंगे। और मैं यहाँ पर बात करूँ SCL टैक में, तो यहाँ पर कब विद हैंडल पैटर्न बन रहा है, बहुत ऊपर 1200 रुपये का टारगेट आ रहा है, इससे रिलेटेड अलग एक वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसके बारे में बात करेंगे। बाकी अगर देखें तो अच्छा खासा सारे शेयर भागते हुए, क्योंकि पैसा रोटेट होता है और एक साइकिल होती है, तो यहाँ पर अब धीरे धीरे यहाँ पर IT की तरफ लोगों का झुकाव होगा, यहाँ पर पैसे डलेंगे और यहाँ पर पैसे डलेंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे, बहुत सारी कंपनी के जिसके रिजल्ट अच्छे आए हैं हमने कवर किया है, उधर इन्वेस्ट करें अच्छा खासे आपको गेन मिलेंगे। एज वेल एज बात करें वर्लपूल, कल की डेट में हमने बताया था ये वीडियो, हमने बाई किया था ये स्टॉक, और बात करें तो आज की डेट में लगभग 1.63 मार्केट गिरा हुआ था, स्टिल यहाँ पर शेयर 1.63 मतलब 2200 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दिया था और 1.63% का यहाँ पर गेन हमें मिला है। इसके अलावा बात करें ब्रिटानिया इंडस्ट्री के साथ भी हमने बताया था कि कल की डेट में यहाँ पर न्यूज़ से रिलेटेड नहीं, यहाँ पर शेयर बहुत नीचे आ गया था और मैंने ये शेयर काफ़ी 9 महीने तक रखा है, तो मुझे पता है कि ये इस रेंज में घूमता रहता है और अच्छा खासा ये गेन दे चुके जाता है 10-15% का, वो भी 2-3 महीने में, तो अच्छी बात है 2-3 महीने में अगर 15% का रिटर्न मिल जाता है, तो इसलिए यहाँ पर इस शेयर को खरीदा था। बाकी यहाँ पर बोनस भी था, डिवेंचर बोनस एज वेल एज डिविडेंड की न्यूज़ भी थी, बट इसके लिए मैंने शेयर नहीं खरीदा, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। एज वेल एज बात करें यहाँ पर ये कोविड से रिलेटेड हमने न्यूज़ कवर कर लिया, तो यही पर्टिकुलर न्यूज़ थी मार्केट में आज के दिन, और इसी वजह से यहाँ पर निफ्टी भी फ्लैट बंद होता हुआ दिखाई दिया, बैंक निफ्टी में गिरावट थी, HDFC की यहाँ पर अनाउंसमेंट थी कुछ, तो इस वजह से यहाँ पर ये शेयर कुछ गिरते हुए कुछ बढ़ते हुए दिखाई दिए, बट ओवरऑल निफ्टी की बात करें फ्लैट बंद होता हुआ दिखाई दिया है। वीकली एक्सपायरी यहाँ पर परसों के दिन है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बजा के सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।